फोटोशॉप के अंदर फ़ोटो के ऊपर क्रैक इफ़ेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए नॉर्मल सा फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये क्रैक देखिए इस चेहरे पे लगा हुआ है, कैसे लगाते हैं, कहाँ मिलेगा, ये सब मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग किसी भी फ़ोटो के ऊपर क्रैक इफ़ेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं बहुत सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल सा एक फ़ोटो देखिए, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है। अगर कलर ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो के ऊपर क्रैक इफ़ेक्ट ज़्यादा असरदार, ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। नॉर्मल सा ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है, थोड़ा सा देखिए वाइटनेस इसका ज़्यादा है। तो ये हम लोग क्या करेंगे इस फ़ोटो पर, पहले तो इसका जो लेयर है यहाँ पर देखिए आप जो लेयर है लॉक है, इस पर डबल क्लिक किया, फिर ओके पे क्लिक करेंगे, इसका लॉक मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे जूम टूल पे थोड़ा सा क्लिक करते हैं, फिर फिट ऑन स्क्रीन पे क्लिक कर दिया मैंने, ये देखिए जिससे कि आपको अच्छी तरह फ़ोटो दिखाई दे। अब क्या करेंगे हम लोग, इमेज में जाते हैं, एडजस्टमेंट में गया, लेवल्स में जाते हैं। थोड़ा सा देखिए इसका वाइट ज़्यादा है तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसके लेवल्स को यहाँ से थोड़ा सा ब्लैक यहाँ से लेवल्स को बढ़ा दिया मैंने, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब मैं आपको दो तरीके दिखाऊंगा, दो तरह का फ़ोटो इस पर क्रैक वाला फ़ोटो लगा के दिखाऊंगा। सबसे पहला मैं आपको दिखाता हूं, देखिए आप फाइल में जाते हैं, ओपन पे मैंने क्लिक किया, ओपन का डायलॉग बॉक्स आया। अब यहां पे देखिए मैंने कुछ क्रैक इमेजेस डाउनलोड करके रखा हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कहाँ पर आपको क्रैक इमेजेस मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं फोल्डर में, एक फोल्डर है दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर देखिए फोल्डर है, इसमें गया, यहाँ पर क्रैक वाला फोल्डर है, यहाँ क्रैक पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे एक क्रैक है, देखिए क्रैक ग्रॉन्ज बोल के CRACKED बैकग्राउंड ढूंढिएगा मिलेगा, ग्रॉन्ज क्रैक ग्रॉन्ज बोल के है, इस पर क्लिक करेंगे। अब ओपन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए जो ये क्रैक ग्रॉन्ज टेक्सचर जो बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, एक वेबसाइट है www.freepik.com, वहाँ पर जाइएगा, क्रैक टेक्सचर बैकग्राउंड ढूंढिएगा मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए इसका वाइट बैकग्राउंड भी है साथ में, वो भी कैसे हटाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसको क्या करना है, इसे ड्रैग करके इस फोटो जो है उसके ऊपर लाकर रख देंगे, ये मैंने रख दिया है। अब जो भी फ़ोटो हम लोग फोटोशॉप के अंदर लेकर आते हैं वो अलग से एक विंडो में ओपन होता है, इसे मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये आ चुका है। अब इसको क्या करते हैं, ठीक फ़ोटो के चेहरे के ऊपर मुझे लगाना है, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, बॉडी पार्ट्स में भी आप लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है चेहरे के ऊपर ही लगाना होगा, आप जहाँ पे दिल करे लगाइए। तो यहाँ पे देखिए मैं फ़िलहाल चेहरे के ऊपर लगाऊंगा जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये मैं थोड़ा सा स्केलिंग कर देता हूँ, फ़ोटो को कर दिया। तो पहले तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से वाइट बैकग्राउंड के साथ अगर क्रैक इमेज है तो क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लेयर पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए दो लेयर्स है, पहला फ़ोटो वाला लेयर, दूसरा लेयर है आपका क्रैक वाला ग्रॉन्ज, ये वाला टेक्स्चर है। अब करना क्या है, ऊपर वाला लेयर को सिलेक्ट किया, ये जो ब्लेंडिंग का बॉक्स है यहाँ पे जाके मैं इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई। अगर आप यहाँ पे ओवरले करेंगे तो कुछ इस तरह ज़्यादा वाइट दिखेगा। तो आपको करना क्या है, अलग अलग तस्वीर पे अलग अलग तरह से ब्लेंड किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखिए अब ये अच्छी तरह से आपको फ़ोटो भी दिखने लगा, प्लस आपको ये क्रैक है वो सब भी दिखने लगा। तो इसको अगर आपको लगता नहीं और थोड़ा सा इसको अंदर इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, इस तरह रखना चाहें तो रख सकते हैं, इधर से भी इसको आप रख सकते हैं, स्केलिंग करके आप इसको छोटा बड़ा जैसा आपको सुविधा लगे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक सवाल उठता है कि ये जो आँख वगैरह है, लिप्स वगैरह, वो सब भी ढक गया, तो उसको भी हटाना चाहेंगे। बाहर में भी जो एरिया है वहाँ पे भी क्रैक दिख रहा है, ये सब इसको कैसे हटाएँगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो क्रैक वाला जो लेयर है उसे सिलेक्ट रखेंगे और नीचे देखिएगा बटन दिखाई देगा जिसका नाम है ऐड लेयर मास्क का, ये फोटोशॉप 7 के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब मास्क करते हैं तो देखिएगा फोरग्राउंड जो कलर होता है ब्लैक होना चाहिए और बैकग्राउंड का जो कलर है वाइट होना चाहिए। उसके बाद ब्रश में जाते हैं, ब्रश टूल पे क्लिक किया और जो ब्रश का ये जो ऑप्शन बार है यहाँ से मैं इसके डाउन बटन पे क्लिक करता हूँ और ये जो 300 वाला ये जो है जो हल्का सा आपको फेदर नुमा दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक किया। और देखिए ब्रश का साइज़ आप कीबोर्ड से ब्रैकेट वाला है, ब्रैकेट का जो कीबोर्ड में देखिएगा वहाँ एक ब्रैकेट का बटन दिया हुआ, उससे भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं ब्रश का, अदरवाइज़ यहाँ स्लाइडर दिया हुआ है इससे भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो बाहरी हिस्सा है जो ये सब नहीं चाहिए तो यहाँ से मैं इस तरह से ड्रैग करता हूँ, ये देखिए यहाँ से इसको मैं इस तरह से डिलीट कर देता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ से इसको पहले बाहर वाला हिस्सा को मैंने डिलीट कर दिया, जो क्रैक मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर ये सब हिस्से पर नहीं चाहिए, देखिए यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ से इसको हटा दिया। अब जैसे मान लेते आई है, आँख है, आँख के पास मुझे क्रैक वाला अच्छा नहीं लग रहा तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे देखिए आँखों के ऊपर चला गया है तो इसको हटा देता हूँ। जैसे आईब्रो के पास थोड़ा सा है
जैसे नोज़ यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे तो यहाँ पे हटा देता हूँ, लिप्स पे नहीं चाहिए तो लिप्स पे मैं क्रैक वाला हटा, देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इसको हटा दिया। आप चाहें तो रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो चेहरे से बाहर, ये देखिए गाल के पास से ये जो बाहर एरिया है यहाँ से हटा देता हूँ, ये सब बालों के पास से हल्का हटा दिया यहाँ से, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा इसको इस तरह से लगा देंगे, ये हो गया। दूसरा देखिए, एक यहाँ पे तो वाइट बैकग्राउंड के साथ आपने देखा कि इस तरह से क्रैक इमेज हम लोगों ने लगाया। अब देखिए एक वेबसाइट है जिस जगह पे आपको बिना बैकग्राउंड का भी आपको क्रैक इमेज मिलता है, चलिए देख लेते हैं। अब इसको मैं यहाँ से फ़िलहाल, ये तो देख लिया हम लोगों ने कैसे लगाते हैं, चलिए एक और लेते हैं, यहाँ फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए और भी यहाँ पे देखिए कुछ इमेजेस है क्रैक का, जैसे ये वाला है जो मैंने एक वेबसाइट से लिया है जिसका नाम है www.cleanpng.com, वहाँ से भी मिल जाएगा बिना बैकग्राउंड का PNG फ़ोटो है, देखिए ओपन पे क्लिक किया मैंने, यहाँ से देखिए क्रैक इमेजेस इस तरह मिल जाएगा बिना बैकग्राउंड का। अब इसको क्या करना है, सिंपली इसको ड्रैग करके ले जाकर अपने पेज पे रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर इसको ड्रैग करेंगे तो ये जाता नहीं, देखिए नहीं जा रहा, तो इस सूरत में क्या करेंगे हम लोग, ये पूरा सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट में जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट ऑल पे क्लिक किया, देखिए सिलेक्ट हो गया, ड्रैग करके अपने इमेज पे जाकर रख देते हैं। अब यहाँ पे ये फ़ायदा होता है कि इस तरह के इमेज का फ़ायदा क्या है कि आपको इसको ब्लेंड व्लेंड करने की आवश्यकता है, डायरेक्टली आप इसको इस तरह से रख सकते हैं। ये देखिए अगर सर के इस जगह पे मैं इसको रखना चाहूँ तो इसको रख सकता हूँ, आप चाहें तो इसको इधर से घुमा भी सकते हैं, जैसा आपका दिल करे ऐसे घुमा के इसको लगाना चाहें, इसको थोड़ा बड़ा करके लगा दिया, थोड़ा सा इसको और इधर शिफ्ट करके यहाँ पे भी लगा सकते हैं, देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ तो देखने में देखिए और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो ज़्यादा बड़ा दिखेगा। ये देखिए इसको ऐसे लगा दिया मैंने। अब इस जो जगह पे है थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ये जो जगह है, तो आप चाहें तो इसको आप मास्क करके भी हटा सकते हैं, डायरेक्टली या ब्रश टूल से भी, यहाँ पे जो इरेजर टूल है इसके माध्यम से भी आप इस तरह से, जैसे यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे, ये देखिए इस तरह से भी इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये बिना मैंने बिना बैकग्राउंड का है तो इसमें मास्क करने की आवश्यकता नहीं है, देखिए इसको इस तरह से भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। ये देखिए मैं इसको यहाँ से, जैसे यहाँ पे आँख के पास, ये देखिए इस जगह से मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, ये देखिए इसको ठीक यहाँ से आईब्रो से यहाँ से हटा दिए, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से हटा दिया, सिंपल है। अगर आप चाहें तो इसी का कॉपी करके ऑल दबाएंगे, ऑल दबाया मैंने, इसको ड्रैग करके यहाँ पे भी इस जगह पे भी आप लगा सकते हैं, इस हिस्से पे भी, जहाँ दिल करें हाथ पे भी लगा सकते हैं, हाथ पे ज़्यादा अच्छा नहीं लगे, जैसे यहाँ पे आ गया तो इसको आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा, देखिए यहाँ से छोटा बड़ा भी आप इसको इस तरह से यहाँ कॉर्नर में रख के इस तरह से आप इसको गाल पे इधर लगाना है तो गाल के इस हिस्से पे लगा सकते हैं, इधर जैसे यहाँ पे लगाना है मान लेते थोड़ा सा इस जगह पे, इस जगह पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे लगाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए मैं लगा दिया। अब जो ये चेहरे पे आया हुआ है यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे, ब्रश ये इरेजर टूल लिया, अब जैसे ये सब मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, ये अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ से इसको ये देखिए हटा देते हैं, ये कान पे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ से हटा दिया, जैसे हाथ पे अच्छा नहीं लग रहा है, इस जगह पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा तो इसको इस तरह से हटा दिया मैंने। अब थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ये देखिए इस तरह से ये देख सकते हैं, तो इस तरह से क्रैक इफेक्ट आप लगा सकते हैं, इसी का कॉपी करके फिर इधर भी लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, उसके बाद इसे आप सेव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग फ़ोटो पे क्रैक इफेक्ट, फ़ोटो के ऊपर क्रैक इफेक्ट लगाते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।